अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम लोग एफएससी ठीक है जी पार्ट टू उसकी पहली वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे और हमने चैप्टर टू से स्टार्ट करना है। ठीक है, चैप्टर वन रिलेटिवली इजी है, ज्यादातर बच्चों को चैप्टर वन रट्टा लगा होता है, याद किया होता है। मसला कहाँ से आता है? चैप्टर टू से। चैप्टर टू थ्री फोर फाइव और सिक्स चले लेना चाहिए ले। ये वो चैप्टर्स होते हैं जिन्हें रट्टा लगाने के बावजूद भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमने चैप्टर टू स्टार्ट किया। ठीक है, इसके बाद चैप्टर थ्री फोर करेंगे। वन को फिलहाल हम लोग यही सपोज कर रहे हैं कि आपको आपका। सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ अवर लेक्चर इज द चैप्टर टू ऑफ योर एफएससी पार्ट टू चैप्टर नेम्ड एज स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट्स। हाफ ऑफ दिस चैप्टर कवर्स द स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स मूवमेंट process reactions activities of movement in plant and half of your chapters cover the aspects of animals including the supporting structures in animals the movement types of movements different reactions involving in different organism during reactions spores amoeba paramecium euglena theek hai gel propagation and at the end we discovered the different types of evolutionary relationships in animals on the base of movement. अब इसका जनरल आसान से बताते हैं तो हमने इस चैप्टर में आधा चैप्टर आपका प्लांट और एनिमल्स की प्लांट की मूवमेंट और उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर से डील करेगा और जो सेकंड हाफ होगा उसमें आप एनिमल उनकी मूवमेंट डिफरेंट एनिमल में कैसे स्ट्रक्चर्स हैं मूवमेंट के लिए और एट द एंड आपको पता चलेगा एवोल्यूशन के लिहाज से। ठीक है कि एनिमल्स में एसेटाबुलम किस में होता है, ठीक है एलियम किस में होता है, बाइपैडल ट्राइपैडल उंगली ग्रेड डिजिटी ग्रेड ये कहते हैं तो हम लोग वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट। ठीक है, दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो एट अ टाइम पढ़ने हैं। सबसे पहले दी स्पोर्ट एंड मूवमेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विद दिस कॉल्ड मूवमेंट। सो देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट एंड लोकोमोटरी मूवमेंट। द नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट इट इज आल्सो सिंपली जनरली कॉल्ड मूवमेंट। ठीक है, जो मूवमेंट है इसकी दो टाइप्स होती है, लोकोमोटरी और नॉन लोकोमोटरी, या जिसे आप लोकोमोशन भी कहते हैं। अब जो नॉन लोकोमोटरी पार्ट है इसे सिर्फ मूवमेंट का नाम भी दिया जाता है। अब इन दोनों में लोकोमोटरी मूवमेंट या लोकोमोशन, नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट या नॉन लोकोमोशन, इनमें फर्क क्या है तो वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले जी लोकोमोटरी या लोकोमोशन, इससे मतलब चेंज इन प्लेस, प्लेस इट इज रीइंफोर्स्ड, प्लेस के ऊपर जोर दिया गया है। लोकोमोशन में हम लोग क्या कहते हैं, प्लेस चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त कहा जाए कि मैं लोकोमोशन में हूं तो लोकोमोशन से मतलब है मैं अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चला जाऊं। सो सच टाइप ऑफ मूवमेंट आर नोन एज लोकोमोशन। Now back to second type, non-locomotory movement change in body. So here force is given on body. यहाँ पे जो जोर दिया जा रहा है, ठीक है नहीं? वो body. For example, मैं बाजू हिला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है मेरे हाथ movement कर रहे हैं, ये सारी non-locomotory movements हैं। क्यों? क्योंकि मेरी पूरी बॉडी ने अपनी पोजीशन छोड़ी नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं गई, माइग्रेट हमने नहीं किया। So, इस तरह की मूवमेंट को आप लोग कहते हो नॉन लोकोमोशन या नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं, एमसीक्यूज है जी। जो लोकोमोटरी मूवमेंट्स होती हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, वेयर एज नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स मूवमेंट मोस्टली इन प्लांट। ओके, तो लोकोमोटरी ज्यादातर एनिमल्स करते हैं, प्रोटोजोआ, ठीक है, और नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट ज्यादातर प्लांट करते हैं। प्लांट से मुराद क्या है, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती लेकिन उनके अंदर वाटर वगैरह जाते हैं, उनके जो तने हैं वो बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ होती है लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, याद रखिए। अब चलते हैं हमारे इसी टॉपिक की दूसरे से की तरफ, विच इज कॉल्ड स्पोर्ट्स। ठीक है जी, उर्दू में इसे सहारा कहा जाता है। ठीक है, सहारा डेजर्ट नहीं, सहारा जो संभाल न सके। अब what is sports and why we need sport? Simple answer, it because of gravity.
characterized, denoted by small g, ठीक है। तो हमें सहारे की जरूरत पड़ती है क्योंकि ग्रेविटी हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है। ग्रेविटी pull everything, every matter, living, non-living object toward the center of earth. So if we want to stand on land, we need a constant, tough supporting structure against the force of gravity, simply against gravity. तो जमीन की एक खासियत हमें पता है कि हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्कल भी छोड़ता हूँ तो ये नीचे की तरफ आता है क्योंकि जमीन की ग्रेविटी नीचे की तरफ है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। तो हर चीज जमीन की तरफ जाती है। अगर हमें जमीन के ऊपर खड़े रहना है बल्कि गिरना नहीं है तो यह एनिमल प्लांट्स की मर्जी बात करें उनके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो उन्हें सहारा दे, खड़ा रखे। तो इसलिए स्पोर्ट्स चाहिए कि जमीन की ग्रेविटी का असर हम पे कम से कम हो सके, हम कम से कम अपना पांव तो उठा सके, ठीक है। अगर ये स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर जो हमारा स्केलेटन निकल जाए तो हम लोग सिर्फ अब मास है बस, ठीक है, मास गोश्त का लोथड़ा जो एक जगह पड़ा है हिल भी नहीं सके। तो स्पोर्ट क्यों जरूरी है ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि हमने अभी बात की है एनिमल और प्लांट दोनों से डील करेगा आपका चैप्टर। तो फर्स्ट वी डील अबाउट द स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्लांट देन एनिमल। द स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्लांट आर कॉल्ड पैरेन्काइमा, नंबर टू कॉलेनकाइमा, एंड एट द लीस्ट बट नॉट लीस्ट स्क्लेरेनकाइमा। दीज थ्री स्ट्रक्चर्स मोस्टली प्रेजेंट इन प्लांट फॉर देयर स्पोर्ट, ठीक है। पौधों के अंदर तीन तरह के स्ट्रक्चर है, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, जो उन्हें स्पोर्ट देते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनिमल्स। सो देयर इज अ टू मेन स्ट्रक्चर व्हिच कैन बी फर्दर डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड कॉल्ड बोन एंड कार्टिलेज इन स्पोर्टिंग इन एनिमल्स इन ह्यूमन। तो जानवरों में स्पोर्ट के लिए अगेंस्ट ग्रेविटी दो स्ट्रक्चर हैं, कार्टिलेज और बोन। बोन ही ज्यादातर होती है जो स्केलेटन की फॉर्म में कार्टिलेज में कनेक्ट करने का काम करती है, जोड़ती है, ठीक है। आप लोग इसे मैटर में पढ़ सकते हैं। अच्छा, सो दीस टू स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, सॉरी दीस स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट एनिमल एंड प्लांट। नाउ अब ये वाला जो इतना हमने पढ़ा है आपकी जो बुक है उसका पहला पैराग्राफ, ठीक है। अब चलते हैं जी, जो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा लेंथ वाइज या लॉन्ग कह लें तो स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर्स इन प्लांट, ठीक है। प्लांट के अंदर कौन कौन से स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, नंबर वन। नंबर टू रिएक्शन कौन कौन से जिससे प्लांट स्पोर्ट लेता है। These two topics we are considered in this lectures of reading. So start करते हैं। सबसे पहले plant के अंदर हमें पता है कि plant तीन चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। जैसा कि एक गुजारे लाए गए डायग्राम बनाई है कि सबसे पहले इसके अंदर leaves होते हैं, stem है और roots हैं। ये तीन चीजें होती हैं एक plant जिसे आप लोग कहते हैं। इसके अंदर जो stem होता है, ठीक है जी, जो stem होता है वो क्या होता है जी, मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। स्टेम तना, ठीक है जी, दरख्त का वो हिस्सा जो आपको जमीन से बाहर निकला हुआ नजर आता है वो मेजर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। उसकी वजह से पौधा एकदम खड़ा है, वो गिरा नहीं है, ठीक है, वो बेंड नहीं हो रहा। तो ये स्ट्रक्चर मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, एज अ लिंक काम करता है, ताल्लुक जोड़ता है, ठीक है, किसके दरमियान, बिटवीन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट विद एरेटेड पार्ट ऑफ प्लांट। जमीन के नीचे जो प्लांट का हिस्सा है यानी कि रूट्स, और जो हवा में है यानी कि लीव्स ब्रांचेस, उनके साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए एज अ लिंक एंड एज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो काम करता है उसे आप लोग कहते हो स्टेम। इज दैट क्लियर, गुड। अब हम लोग चलते हैं दूसरे ये जो स्टेम होता है इसके अंदर ज़ाइलम होता है जिसे वैस्कुलर बंडल कहते हैं। डिफरेंट रिएक्शंस भी होते हैं जो पौधे में स्पोर्ट के लिए मददगार हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देयर आर थ्री फैक्टर्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रिएक्शंस आर इन्वॉल्वड इन सपोर्टिंग द होल बॉडी ऑफ अ प्लांट, नेम्ड एज टर्गर प्रेशर, वैस्कुलर बंडल, कॉलन एंड स्क्लेरेनकाइमेटिक टिश्यूज। आंसर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्गर प्रेशर, ये टर्गर प्रेशर क्या होता है, ठीक है जी, आप लोग 9th में पढ़ के आए होंगे, पौधे की जो सेल वॉल होती है जब पानी अब्सॉर्ब करता है तो वो फूलना शुरू हो जाता है। ये सेल वॉल उसे प्रोटेक्ट करती है, जिस तरह आप एक फुटबॉल, ठीक है जी, उसके अंदर हवा भराते हो तो अंदर जो ब्लैडर है उसका वो समझने के लिए वो सेल है, और ऊपर जो चमड़े की लेयर होती है वो क्या जी,
एज अ सेल वाला है। आप जब हवा भराते हो तो ब्लैडर फूलता है, पौधे के अंदर सेल में पानी जाता है वो फूलता है, और क्या होता है ब्लैडर उसे फटने जो चमड़ा उस ब्लैडर को स्पेस में एडजस्ट करता है जितनी उसकी है और ट्राई करता है फटे ना। सेम काम सेल वॉल करता है। तो स्टार्ट करते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, जो टर्गर प्रेशर है इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन प्लांट। पौधे के अंदर इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक ठहरे हुए पानी का जो प्रेशर होगा इट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। ठीक है, पानी आके रुक गया उसके बाद जो प्रेशर होगा उसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। अच्छा जी, ये भी हमें पता चल गया कि पौधे के अंदर पानी अब कैसे आता है। तो रिव्यू देते हैं, रिमाइंड करते हैं चैप्टर 14 फर्स्ट ईयर का, वहां पे आपने पौधों में पानी जड़ों से पत्तों तक कैसे आता है उसे पढ़ा था। तो मे बी अगर आपके माइंड में है तो हम लोग यहाँ पे जनरल सा रिव्यू लेने लगे हैं कि सपोज करें पौधे जिस जमीन में गड़ा हुआ उसके अंदर मट्टी और पानी मौजूद है, ठीक है, ज्यादा पानी मिनरल्स हैं, वो वहां से जड़ों के एपिडर्मल सेल्स में चला गया, जड़ों के एपिडर्मल सेल्स से फिर वो कॉर्टेक्स को क्रॉस करता हुआ पिप्स तक आया, वहां से ये जाइलम में चढ़ गया। ठीक है, किस तरह चढ़ा आप लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हो, तीन थ्योरीज पढ़ी थी रूट प्रेशर इंबाइबेशन और कॉन्शियस टेंशन थ्योरीज। ठीक है, काफी टेंशन दी होगी उसने आपको। उन सेल से ठीक है जी पत्तों तक आ जाता है फर्ज कर लेते हैं। तो हम एक पत्ते के अंदर एक सेल की बात करते हैं, फर्ज करें एक सेल था इसके अंदर पानी आएगा और ये फूल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ पानी एंटर हो गया। ठीक है, अब पानी एंटर हो तो निकल भी तो सकते हैं, जाहिर सी बात है ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। तो क्या करेंगे, किस तरह की इसमें रहता है। तो हमें पता है कि पौधे के अंदर एनिमल और प्लांट में एक मेजर डिफरेंस है वो है वैक्यूल। पौधे के बिल्कुल सेंटर में वैक्यूल होता है और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को आप लोग कहते हो टोनोप्लास्ट, TONOPLAST, टोनोप्लास्ट। इट इज एमसीक्यूज, व्हाट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड। नीचे ऑप्शन आपको कुछ भी दिए जा सकते हैं। तो टोनोप्लास्ट क्या जी, ये मेम्ब्रेन होती है। अब इस टोनोप्लास्ट के अंदर क्या जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, कौन सा मैकेनिज्म होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये डेफिनेशन भी आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स का कम से ज्यादा की तरफ जाना, क्योंकि कुदरती रुझान ज्यादा से कम की तरफ होता है, यहां पे उल्टा हो रहा है, कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, लिहाजा एटीपी यूज होगा। ठीक है, अगेन से कंसीडरेशन है। तो जो वैक्यूम की मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट, इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म होता है, ये क्या करता है बाहर जो साल्ट है, ठीक है जी आपको रेड कलर में नजर आ रहे होंगे, ये उन्हें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करता है वैक्यूल के अंदर ले जाता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म के मुकाबले वैक्यूल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें हाइपर कंडीशन हो गया, साल ज्यादा हो गया, नतीजा जो पानी साइटोप्लाज्म में एंटर हुआ था वो वैक्यूल में चला जाएगा। अब वैक्यूल में चले जाने की वजह से ये वैक्यूल साइज में क्या होगा फैलेगा, और जो हमारी सेल वॉल है ये इसे अगेंस्ट इसकी कंसंट्रेशन जब फैलेगा तो उसे उतनी जगह पे एडजस्ट करने की कोशिश करेगी जिससे प्रेशर बिल्डअप हो। पानी अंदर आ गया, आने के बाद जो प्रेशर बिल्डअप होगा उसे आप टर्गर प्रेशर कह देंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इस टर्गर प्रेशर का फायदा क्या पौधे को, तो तीन फायदे होते हैं। ठीक है जी, पहला तो पौधा बेंड नहीं होता, आपने देखा होगा पौधा खड़े का खड़ा ऐसे ही होता है। ठीक है, दरख्त की बात कर लें, शाखों की बात कर लें, झाड़ियों की बात कर लें, वो बेंड नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू, पानी पौधे में आ गया तो वो एक बेंड होने से बचाता है, क्यों रिजिड हो जाता है। दूसरा, वेट नहीं होने देता, मुरझाने नहीं देता। ठीक है, और तीसरी बात, हर्बेशियस प्लांट के अंदर या यंग प्लांट के अंदर सपोर्ट का सबसे बड़ा जरिया टर्गर प्रेशर होता है, वजह उनके अंदर सक्लेरन का मतलब होता ही नहीं। ठीक है, तो ये था जी हमारा टर्गर प्रेशर। अब मूव करते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, व्हिच इज कॉल्ड वैस्कुलर बंडल। यू आर आल्सो फेमिलियर विद व्हाट इज वैस्कुलर बंडल एंड व्हाट आर द टू मेजर टिश्यूज और मेजर ऑर्गन मे बी सपोज बेटर के जिससे मिलकर बनता है। तो वैस्कुलर बंडल दो चीजों से मिलकर बनता है, जाइलम फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर सॉल्ट, फ्लोएम फॉर द कंडक्शन ऑफ
फूड, ठीक है। अच्छा जी, अब वैस्कुलर बंडल के स्पोर्ट में क्या रोल है? तो जाइलम और फ्लोएम में जो सबसे मेजर रोल होता है वो जाइलम का होता है, बिकॉज इट इज एन एक्सटेंसिबल स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा हार्ड टफ स्ट्रक्चर है, जल्दी नहीं टूटता, ठीक है। जिसकी वजह से जो पौधा जिसके अंदर जाइलम अच्छा खासा डेवलप हो चुका है, थिक हो चुका है, सेकेंडरी ग्रोथ आप कह लें उससे गुजर रहा है, वो पौधा आपको दरख्त की फॉर्म में नजर आएगा, वो जितना मर्जी हो जाए वो हिलेगा भी नहीं जगह से, वजह इन एक्सटेंसिबल स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम इज प्रेजेंट है। लेट्स मूव। अच्छा जी, अब अगर आपको समझ नहीं है कि जाइलम क्या है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो आपकी बुक में एग्जांपल उसने दी है, वो कहता है आप जाइलम को दरख्त के अंदर समझना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह समझें कि जिस तरह ये दरख्त है, स्टेम है, ये समझने कंक्रीट का पिलर है, ठीक है, घर में पिलर बनाते हैं, और जाइलम क्या है, उसके अंदर स्टील का रॉड, जब हम लोग पिलर वगैरह बनाते हैं स्टील रॉड उसके अंदर सीमेंट कॉन्क्रीट लगाते हैं जिससे मजबूती डबल हो जाए। सिमिलरली वो कहता जी आप जाइलम को दरख्त के अंदर ये समझ लें कि दरख्त पिलर है, जाइलम उसके अंदर क्या है, इट इज अ कंक्रीट, सॉरी जाइलम क्या है, वो स्टील रॉड है, और दरख्त की वो जो चीज जो आपको नजर आ रही है गोलाई में वो है जी उसका कंक्रीट, ठीक है। अच्छा जी, जाइलम की वजह से या जाइलम की मौजूदगी की वजह से पौधे को क्या फायदा है, दरख्त को क्या फायदा होगा, तो अभी हमने कहा वो खड़ा रहेगा, नंबर वन। नंबर टू, विंड बेयरेंस, ठीक है जी, इट इंक्रीज इट्स एबिलिटी टू बेयर The stress of wind, xylem जितना ज्यादा tough होगा वो पौधे को हवा की मजाहमत से उतना ज्यादा बचाएगा, ठीक है, जितनी मर्जी हवा तेज चले अगर xylem अच्छा खासा मौजूद है तो ये पौधे को इतनी ability देगा कि वो wind pressure को bear up कर ले, ठीक है। अच्छा, अब ये जो xylem होता है इसे strengthen दिया जाता है, इसे मजीद ताकत दी जाती है, ठीक है, किसकी वजह से जी, fibers की वजह से। अब ये fibers किसके होते हैं, सक्लेरन कार्म, ठीक है, फाइबर्स सक्लेरन कार्म के। अच्छा जी, कभी कभार इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, ठीक है, सूर्यमुखी का फूल पौधा, उनके अंदर ये जाइलम और जो सक्लेरन फाइबर्स हैं जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है जिसे हम लोग बंडल कैप कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमारा वैस्कुलर बंडल का टॉपिक कवर होता है। Now move to the last topic of our lectures today, named as Collen and Sclerin Kerm. ठीक है, हमने यहाँ पे paragraph की form में नहीं पढ़ा, जैसे कि आपकी book में मैंने main point लिखे हैं ताकि lecture खत्म करें time पे, आपको भी ज़्यादा boring महसूस ना हो और आसानी से और इस तरह से समझाने में मुश्किल आसान। जो Collen Kerm है ये living part है, ठीक है, it is a living, और ये याद रखिएगा ये दोनों MCQs हैं, बहुत important है कि विच ऑफ द स्ट्रक्चर इज लिविंग, आपको ऑप्शन में आ सकता है या नॉन लिविंग के लिए ऐसे पूछा जा सकता है। कॉलन कार्मा लिविंग होते हैं, वजह इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट मौजूद होता है, जबकि सेक्लेरन कार्मा इनके साइटोप्लाज्म का ज्यादातर हिस्सा लिग्निन ने कवर कर लिया होता है, लिहाजा ये नॉन लिविंग होते हैं। पहली बात तो क्लियर, लिग्निन क्या है, ये सेक्लेरन कार्मा और कॉलन कार्मा हाईली इम्पैग्नेटेड होते हैं लिग्निन से, अच्छी तरह भरे होते हैं लिग्निन की वजह, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा होता है। अब उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कॉलन कार्म होते हैं इनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती, इनके अंदर प्राइमरी सेल वॉल की एंगुलर थिकनिंग हुई होती है, ठीक है, एंगुलर थिकनिंग हुई होती है, जबकि जो सेक्लेरन कार्म है इनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होती है और अच्छी खासी थिक होती है। यहां तक क्लियर? अच्छा जी, क्योंकि हमने भी कहा ये इलास्टिक है, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म में सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है तो ये थोड़े बहुत लचक रखते होंगे, लिहाजा ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं, उनके अंदर थिक स्कैंडी सेल वॉल भी है, प्राइमरी सेल वॉल भी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मौजूद है जिसकी वजह से ये इंटैक्ट रहते हैं, लिहाजा ये टफ हैं या नॉन इलास्टिक होते हैं। देन उसके बाद कॉलन कार्मा यंग या हर्बेशियस प्लांट, ऐसे पौधे जो जमीन से निकले और उनका जो स्टेम है अभी ग्रीन है, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सपोर्ट के लिए मौजूद होते हैं, जबकि जो सेक्लेरन कार्मा ये अडल्ट है जिसे आप ट्री कहते हो, दरख्त कहते हो, लकड़ी वाले, उनके अंदर मौजूद होते हैं। कॉलन कार्मा की आपकी बुक में आगे कुछ नहीं बताया गया, जबकि सेक्लेरन कार्मा के मतलब बताया गया, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेक्लेरन कार्मा। नंबर वन, फाइबर्स, ठीक है, ये फाइबर्स क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं और इनके पॉइंट टेम्परिंग एंड होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, लॉन्ग है और इनके किनारे पॉइंटेड एंड टेम्परिंग एंड होते हैं और ये स्टैंडर्ड ये बंडल कैप की फॉर्म में। फाइबर्स के बाद दूसरे नंबर पे है जी वो है सेक्लेराइड
ठीक है, ये थोड़े से शॉर्ट होते हैं फाइबर्स के मुकाबले, और ये भी एमसीक्यूज है, ये नट्स वगैरह की प्रोटेक्शन के लिए होती है, जैसे कि नारियल आपने देखा होगा उसके ऊपर एक अच्छा खासा सख्त होगा। और आखिर में वेसल्स, ट्रैकिया भी जिसे कहा जाता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आपस में जुड़ते जुड़ते एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे पानी गुजरेगा। ठीक है, सो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसके मुताबिक अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में दीजिएगा, मैं जरूर आंसर दूंगा जैसे मुझे वक्त मिलेगा। और अगली वीडियो के लिए तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।